चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, मेबिल बैठने वालों को मेरा सलाम। दूसरे की दौलत देखकर हैरान मत होना, आपको भी परमात्मा देगा परेशान। साथियों मैं कल से यहाँ पे आकर बातचीत कर रहा है, मेरे हवेली में कई लोग रहने वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मैं आवाज लगाने चला हूँ, देखता हूँ कौन साला डिटेल के पास रहता है। कहा आप लोग मेहरा नहीं देखा होंगे, मेरे हवेली में मेहरा छक्के डिट्टी लग गई है। आजा बेटा आओ। बस रहो मेहरा, बस रहो बाबू साहब, हम आपको मेहरा और सिंगारा दिखा। तुम्हें जो कहा मेहरा है, तुम्हें तो कहा मेहरा। बाबू साहब समझे, कोशिश करें। क्या समझो, क्या समझो, क्या समझो, क्या समझो। बाबू साहब बतिया है। क्या बतिया? बतिया बतिया की बलवार हो गई है। बाबू साहब समझे बात को, क्या समझो मैं। जल्दबाजी हो गई। ये कहो कि मेरी ड्यूटी है। बाबू साहब मेरी ड्यूटी चलिए। अरे भाई से मेरा नाम बता दे, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है बता दे। बाबू साहब मैं आपका नौकर, आपके गुलाम। बाबू साहब आज जब से जाने गए हैं तब से तुम्हार कर रहे हैं। बाबू साहब ड्यूटी का नाम भाई लिया कर रहे बाबू साहब। हमारे बाप बाबू साहब समझे, कोशिश करें। तोहार बाबू हम रह रहे हैं। ओ समझ गया। यानी तेरे कहने के मतलब मेरे पिताजी तुम साथ बने। हाँ बाबू साहब, तोहार माई हमार मेहरारू रही। क्या बे, क्या समझो। ओ समझ गया, यानी तेरे गाली मतलब मेरी माँ और तेरी और साथ बनी। बाबू साहब तब बाबू साहब आप कहूँ ना ली क्या नहीं लिया। नाम का नाम पहले अगर मैं अब से ले ले भाई। बाबू साहब तो हाँ खेल लूगा बेटा। बाबू साहब जब तुम्हारे आज तक कब हम वोटे ना ले गए तो सामने कैसे ले रहे। बाबू साहब
तो बैठ जाओ, सांस मत लेना बेटा, बैठ। ए भैया तिवारी गुरु वाले प्रधान जी, एक लोटा पानी, एक ही बेड़ी, एक ही माचिस भेज दो भैया। का होए? एक खाई गाली बैठा है। मेरे तरफ देखते हुए बेटा, बाबू साहब लगे ही क्या लेगा बे? अब मैं बोलने को रोक रहा हूँ, बोला मत सांस ले, सांस न ले तो नहीं, सांस लेना लेकिन बोलना नहीं। आप लोग सुनिए, इस पार्टी के सहयोगी हमारे संजय सेठ व रामशर कोटे, एक पार्टी आपके खरीद की आपके गांव की है, एक पार्टी आपके गांव की है, आपके मोहल्ले की है, आपके हम लोग बच्चे हैं। अगर कोई बच्चों सेनाधारी होती है तो हम क्षमा मांगते हैं साथियों, विधवा भाजी कर रहा है। बोल दे साथियों, अरे मेरे अंगने में क्या कहते हैं इसे गाड़ो गाड़ो कहते खिलाफ जो कोई पैर उठाता है, मैं कसम उसके पैर को मैंने चलिए कभी जाके मेरा भाई खाता ला दे। बाबू साहब तो हार भाई, अरे मैं कह रहा हूँ भाई खाता जाके ला दे, किसका कर्ज बाकी है, कौन दिया करना दिया है।
पहले तो आप बटरी हो। अरे फाइल कहते हैं बाबू साहब, वही आपके दौरी। हाँ हमार दौरी हमार गैलरी। अबे दौरी नहीं कहते डायरी कहते हैं। वही तो बाबू साहब। बाबू साहब ना वही आप पूरा लेटर ले यही। सबसे पहले कर्जदार ये तिवारीपुर के बाबू साहब। हाँ? ये तिवारीपुर के में तिवारीपुर है बाबू साहब। मतलब कि हमारे घर मतलब ये तिवारीपुर के देवी लाल प्रधान। बाबू साहब जब प्रधानी लगत रहे हैं समय अपने यहाँ से 20,000 लेके गाँव वाले के दारू किया हुई खाती है प्रधान जी ने। और का यानी दारू पिया करके लोट लिए हैं। और का दारू पिया पिया ओटे ले थी बगान को रोट लिए है। हाँ और तो ओटे होता है वे। हाँ बाबू साहब 20,000 लेके ने टोट किया हुई देहन लाएंगे बढ़ा जाए जीरो बाबू साहब। बाबू साहब बुरका में पीछे बाबू साहब जब अपन आलमारी साफ करते रहे दीपावली के दिन पूरा घर आलमारियों साफ करते रहे आलमारियों हम देख रहे आलमारिया हमारे ऊपर उधर की बाबू साहब हमारे मुँह खुल गया बुरका का मुहने में चला गवा ही आएगा ठक गवा बाबू साहब का सिर्फ कोई से बोर बोर काम चलाई थी। बाथरूम का टैप है वही बाबू साहब। बाबू साहब ये दूसरका कर्जदार ये राम मोटे दांत और कुशेटे के और का कितना लिए है राम लखन कोटेदार मोछा वाले। हाँ 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 और क्या छोटे लाल रसिया के सहयोगी है। हाँ सहयोगी हो ही बाद में देखते हैं क्या सहयोग करते हैं। बाबू साहब अपने प्रियस कर्जा मांग मांग ले जाते हैं इतना दिन कोटा चला ले और का कितने लेंगे मट्टी तेल चुराए तो पियत रहे हैं। अरे उपज हो गया है। हाँ बाबू साहब कोटा इनके घरे जब आवत जाना अपने पास कोटा ले खातिर ये 10,000 लेंगे 100 रुपया में देवे जो है। हाँ कोटेदार 10,000 ले गए खाए कोई बात बढ़ा दे कि बढ़ा कि बाबू साहब एक छुन्ना बढ़ गया। एक छुन्ना कितना हो गया बाबू साहब 1,00,000 है। 1,00,000 हो गया है। एक हजार लाख कोटेदार बाबू साहब के 1,00,000 लिया के नहीं जा हमका 1,00,000 तो का 2,00,000 बाबू साहब यानी कि आपके 1,00,000 रुपए में अबे वही तो बाबू साहब। हाँ और किसका कर्ज बाकी है देख बाबू साहब छाप से। अरे बाबू साहब ये सब तो पुराना कर्जदार वही वही पे वही बाबू साहब बेलापुर वाला है। नहीं नहीं आगे बेलापुर वाला है नहीं बाबू साहब। हाँ कांटा कर देगा बाबू साहब अपने बिटिया बिटिया लिया है मैं और है
कमलापुर के कमला बिटिया किराए में 5,000 जेमे तीन देहे बाटाई अबे दू लेहे बाटाई मतलब 3,000 ना देहे बाटाई 2,000 ना देहे बाटाई बढ़ा दे कितना हो गया 20,000 चलो चलते हैं बेलापुर में राम गरीब के हक का जो सुन ले उठा ले बंदूक भाइयों सभी दर्शक बंधुओं से मेरा प्रणाम करते हैं और मैं आप सब दया के सागर हैं बाबू हम लोग कलाकार हैं आपके गांव के हैं आपके क्षेत्र के हैं देखिए आप लोग अगर बैठे रहेंगे तो हम लोगों का जो भी टूटा फूटा कला है आप सबके सामने हमेशा उपस्थित रहेंगे और इसी के साथ साथ मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ मेरा क्या नाम है साथियों मैं बेलापुर का रहने वाला हूँ ग्राम बेलापुर का रहने वाला हूँ मेरा ही नाम रमेश कुमार है बाबूजी का नाम श्री राम गरीब किसान है मेरी एक बहन है जिसका नाम गीता है और गीता की शादी 2 साल पहले बिंदापुर गांव में सेठानी पार्वती भक्ति के एक लड़का जिसका नाम प्रेम कुमार है उसके साथ कर दिया और हमारे बाबूजी वहां जाते हैं 2 साल हो गया है मेरे भाई मेरी बहन की शादी हुई है लेकिन आज तक मेरी बहन मेरे घर नहीं आई है अगर गांव मोहल्ले में जाता हूँ तो गीता बहन की सहेलियां दौड़कर पकड़ लेती हैं मुझे और पकड़ कर कहती हैं रमेश भैया अरे रमेश भैया गीता बहन को नहीं लिवाए नमस्कार भैया भैया नमस्कार हाँ छोटे भाई बढ़िया भैया भैया जब भी हम लोग ड्यूटी पर आते थे भैया हमेशा देखते थे भैया आपके होठों पर हंसी रहती थी भैया आज की बात है कि आपके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं भैया तुम्हें मालूम है मेरे भाई तुम्हें तो मालूम है मेरे भाई गीता बहन अपने ससुराल गई है 2 साल हो गया शादी में भैया लेकिन आज तक मेरी बहन मेरे घर नहीं आई है नहीं आ रही है ये बात हम लोग चल करके बाबूजी से पूछेंगे भैया ये बात बाबूजी से चलकर पूछेंगे मेरे भाई जरूर पूछेंगे लेकिन भैया हम लोग घर पे चल रहे हैं जिस तरह से हम लोग रोज हंसते खेलते हुए गाते हुए जाते थे आज उसी तरह कुछ गुनगुनाते चलिए बड़े भाई अरे छोटू भैया तुम्हारा विचार है कि भैया कुछ कहते चलिए ज्यादा तो नहीं डोला इनका हम कहरवा गीत बोल रहे हैं ये
हारमोनियम के पर्दे से कारवा की बोल दे रहे हैं कैसे
घर पे है, ये बात अपने बाबूजी से जरूर पूछेंगे कि आखिर बहना क्यों घर नहीं आ रही है। चलिए भैया। चलो मेरा भाई। रमेश बेटा घर प्रणाम से उठा।
आप हमेशा कुशाग नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या ये बाबू की आपके आंखों से नीर बह रहे हैं मुझे। पर जाइए बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबू। कुछ कहना चाहता हूँ देख रहा हूं अपना एक बिना खेल
रख दो और गहन रख के 20,000 रुपया ले जा करके बहन की सासू माँ को दे करके बाबू बहिम को अपने घर ले कहा है बेटवा। जब आप कहा था हम जाते एक बीघा खेत गान धाई के बिटिया खिया जात है और पैसा जमींदार राय बहादुर देंगे उन्हीं के हाथ अपना खेत गान रख देना। धीरे धीरे कमा के बाबू पैसा इकट्ठा करके हम उस खेत को छुड़ा लेंगे अपने घर। बहन अगर एक दिन आ जाएगी तो कम से कम बहन की सहेलियां जितनी है देख लेगी और मुझे बहुत ही सुनना पड़ता है बाबू। जब भी अगर आर्दोस में जाते हैं तो गीता बहन की सहेलियां दौड़ कर मुझे पकड़ करके कहती है रमेश भैया गीता बहन को नहीं लिवाया। ठीक है बेटवा हम चलाता ही एक बीघा खेत ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ धाई के बिटिया के लिए आई आओ। भैया हाँ छोटू भाई आइए अब हम लोग चलते हैं काम धंधे करेंगे क्योंकि बहन आएगी तो क्या खाना पीना भैया उसके खाने पीने के लिए अरे खाने पीने का व्यवस्था होगा बाबू जाएंगे पैसा लेकर के अपना ये भी यहाँ खेत कहाँ रखेंगे भाई और पैसा लेकर के बहन की सासू माँ के घर जाएंगे और बहन की सासू माँ को देख करके बहन की वहाँ से विदाई जब होगी जिस दिन बहन अपने घर आएगी छोटू भैया उस दिन पूरे मोहल्ले में पूरे गाँव में दौड़ कर बताऊंगा अरे उर्मिला सुशीला अरे चलो मेरी बहन की आई है चलो तुम लोग मुलाकात करते भैया तब तो बहुत खुशी की बात है अब चला जाए काम करना करिए ओके बाद आज भैया चलो चलते हैं।
महादेव की। ए मेरा भैया, इतनी दूर से हम चली आवत है, हमारे घरे में दू दू नौकर, ये भगवती गौरन के पता न आए बा कि कहाँ घूमत है। हम कहे मावा तुहार कुरी छुई। हाँ छुई ला छुई ला। ऐ जा गारो, ए बिना तो हम बुलाए कि हम का तो पहुंचा गाय भाई से समझा। अरे शिवम सुंदरम, अगर अब उल्टा सीधा बोले है जागाड़ो, लाल टेन जला के फूक दे जल के रात हो जाए। कहाँ रह रहे? ए मावा, चला कवर एक शौरी पकड़े माई। कहाँ का रह रहे? अब जावे? ए मावा, सब वही मारत रहे ना। हम देखे मावा, इतनी मोट मोट छोरी, इतनी मोट मोट छोरी, वही उतरात रहे माई से। पावर दूसरा लगा रे।
पप्पू ले पिटी वाला है नारम मारा भगवती गाड़ो है जा गाड़ो ना मरीन जात क्या व्यास सबे समझ ले सबसे पहले जितना भैया बाबू अरे बैठा हाँ ठंडे में हमारे बारे में बताओ बैठा बाबा हमारे माइक बारे में जान ले जा सुना हो भैया पवन म्यूजिक संसार वाले आप सुन ले हमारे माइक के बारे में है बता रहे हमारे माइक के बारे में 100 ग्राम जुआ है जहाँ का कहा 150 ग्राम लीख 200 ग्राम तक चीलर या किलनिक तो कौनो था है ना या बारे में कितना भरी यहाँ से हमारे माई के विषय में सबसे पहला विषय हिंदी अंग्रेजी इतिहास भूगोल संस्कृत एक विषय और हमारे माई ले बच्चे का नाम बीज गणित Yeah.
की ना बेटवा, तुम एक कोहरा बता रहे हम बिटिया धनिया कहाँ मारे बिट्टी धनिया चाय खाए के नाश्ता पी के अच्छा? बिट्टी देखे बस तो अपने हुजकूल चली गई चाय खाए के नाश्ता पी के गई है वो हुजकूल गई बा अब तुझको चाय पी के नाश्ता खाए के स्कूल गए बाजा बोल रहे जागा रहे बोल मावा बिट्टी स्कूल गए बिट्टी बोलाई का माई बोलाओ बोलाई जल्दी बोलाओ बोलाई माई आई बा जल्दी आओ माई बिट्टी का नंबर नब्बे नौ निन्यानवे छः दो छः दो एक सात छः दो कैसे अरे ए माई ए में बतावत बा आप जो नंबर से संपर्क करे चाहता हूँ नटवा कर लेके बाहम बात छिनार वाले लगाए क्या नब्बे दो बयानवे अस्सी दो बयासी छानवे छानवे एक ना जाओ छानवे देखी मिट्टी का हमार जात की ना जात बा जात बा हेलो मिट्टी धनिया नमस्ते नमस्ते पगड़ो हम वही से बोला चाहिए नहीं और कौन से बोल रहा है पैसा कटत बाटे बात कर बात करत ना नहीं ऐसा कौन बात नहीं है नहीं पगली अरे नहीं पगलो तो हाथ हमारे कैम आवत तो हम हाथ थोड़े कैम ना जात बा का कारे खड़ी हो जा पैसा कर बात बात कर बात कर जाइ ना आवाज ना आई अपनी बिट्टी के हमार ना ये अच्छा कौन बात ना यार बिट्टा जा पगलो हम छोटू मोहे से बोला था ही बोला का पैसे कट गई नहीं
नहीं पगला ऐसा कोनो बात नहीं है माई के तो कब नहीं क्या पगली वो अपन जोन वो करवा है घर माई के रहा ना साहिबाल वाली गई है यार वह जरमान गई बैठ गई आज वह खुद चुखड़क जा रही हाँ।